राजस्थान में लंपी स्किन रोग का प्रकोप फैला हुआ है। इसके निशाने पर हैं गौवंश। इस रोग में पशुओं को तेज बुखार, त्वचा में सूजन व मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं। पशु कमजोर होने लगते हैं, उन्हें आहार खाने में परेशानी होती है। अगर आपको अपने पशु में इसका कोई भी लक्षण दिखता है तो तुरंत ये एहतियाती कदम उठाएं। पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें और उपचार के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क करें। रोगी पशु के चारा, पानी व दाने की व्यवस्था अलग बर्तनों में करें। पशु आवास से मक्खी व मच्छरों को भगाने के लिए नीम के पत्तों को जलाएं और कीटाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट के 2-3% घोल का छिड़काव करें। इस बीमारी को लेकर कुछ भ्रांतियां भी हैं। दूध उबाल कर पीने से कोई समस्या नहीं होती, ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, इसलिए पशुओं से मनुष्यों में ये बीमारी नहीं फैलती। कोरोना आरएनए बेस्ड वायरस था, उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता था। लंपी डीएनए बेस्ड वायरस है, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता और ये तेजी से नहीं फैलता। राजस्थान सरकार सतर्क है और गौवंश की रक्षा व सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आवश्यक दवा एवं टीकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। संवेदनशील राजस्थान सरकार ने गौशालाओं के लिए अनुदान की अवधि को भी 6 से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। जितना महत्व हमने कोरोना के अंदर मनुष्य को बचाने का दिया था, वही महत्व हमारे लिए सरकार के लिए इन पशुओं को बचाने के लिए रहेगा। फार्म फूडिंग पे काम कैसे कर सकते हैं, ये जन भावना भी है, सरकार की भावना भी है, हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका धर्म भी है। संकट की इस घड़ी में संतोष की बात यह है कि जनता, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के समन्वय से कई जिलों में संक्रमण की दर कम होने के संकेत मिल रहे हैं। हमें विश्वास है कि कुशल प्रबंधन और जन समन्वय से गौवंश रक्षा के इस अभियान में हम सफल होंगे।